मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही हेल्दी ड्रिंक, और इस ड्रिंक को बोलते हैं जामुन सॉल्ट। ये बहुत ही हेल्दी होता है और जिनको डायबिटीज़ होता है उनके लिए तो बस रामबाण है। अगर ये अभी गर्मियों का मौसम है तो अभी बहुत सारे जामुन आ रहे हैं, तो इस मौसम में अगर आप इन जामुन के ड्रिंक को पीते हैं डेली तो आपका जो डायबिटीज़ है उसका प्रॉब्लम में बहुत फ़ायदा करेगा। तो चलिए मैं बताती हूँ ये ड्रिंक मैंने कैसे बनाया है और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। जामुन सॉल्ट बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है जामुन, और इस जामुन को हम इसके जो गूदे हैं वो निकाल लेंगे और गुठली को हम अलग कर देंगे। और आप चाहें तो इस गुठली को सुखा के इसका पाउडर बना के भी यूज कर सकते हैं। अगर इसका पाउडर आप डेली खाते हैं जिनको डायबिटीज़ है तो उनको बहुत फ़ायदे होगा। तो इस तरह से हम इसका गुठली अलग कर लेंगे और इसका जो गूदा है पल्प है उसको भी हम अलग कर लेंगे, और फिर जो पल्प है उससे हम ये ड्रिंक रेडी करेंगे। तो चलिए इसी तरह से मैं सारा निकाल लेती हूँ, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा निकालने में मुझे, तो मैं निकाल लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो इसी तरह से सारा पल्प मैंने निकाल लिया है और एक बाउल में मैंने ले लिया है। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने बाउल में सारा निकाल लिया है और मैंने यहाँ पे जितना लिया था उसका हाफ़ यूज़ किया है, हाफ़ मैं बाद में यूज़ करूँगी। बाकी यहाँ पे मैंने ये पल्प लिया है, ये लेमन जूस 1 और ये पीसी शुगर और काला नमक, और ये मैंने लिए हैं कुछ आइस क्यूब्स। तो चलिए रेडी करते हैं, लेमन का यूज़ हम करेंगे आगे। और यहाँ पे मैंने जो आइस क्यूब लिया था वो मैंने डाल दिया है जार में, और जो पल्प मैंने रेडी कर लिया था वो पल्प डाल दिया है। उसके बाद इसके अंदर हम जो लेमन जूस है और ये मैंने ब्लैक साल्ट लिया है, ब्लैक साल्ट डाल देंगे टेस्ट के अनुसार। और लेमन जूस 1 लेमन का जूस मैंने इतने में लिया है जो कि परफेक्ट है एकदम। और शुगर ले लेंगे टेस्ट के अनुसार जितना भी आप, अगर आप शुगर नहीं ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप हनी भी यूज कर सकते हैं। ये मैंने बूरा यूज किया है जो कि बूरा होता है वो नुकसान कम करता है, शुगर जो होती ज़्यादा नुकसान करती है, तो यहाँ पे मैंने बूरा का यूज़ किया है। तो ऑप्शनल है, आप चाहे जो चाहे यूज कर सकते हैं, मिश्री भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको करके और मैं इसको अच्छा सा ग्राइंड करूँगी, तो मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ग्राइंड कर लिया है, तो अभी आपको दिखाती हूँ कितना रखना है थिकनेस इसकी हमें। तो इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, आपको मैं दिखाती हूँ स्पून की हेल्प से। तो आप देख सकते हैं कितना स्मूथ पेस्ट हो गया है और अब ये रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा गिलास को डेकोरेशन कर लेंगे। यहाँ पे नींबू लेंगे और नींबू से हम थोड़ा सा लगा के, और जो ये मैंने लिया है साल्ट, तो साल्ट लगाने के बाद तो इतना अच्छा डेकोरेशन हो जाता है। तो ये हम डेकोरेशन के लिए कर रहे हैं, और आपको पता होगा कि जब हम जामुन खाते हैं तो साल्ट से खाते हैं, तो ये पीते समय अगर आएगा पी तो अच्छा लगेगा। तो और थोड़ा ग्लास भी हमारा डेकोरेट हो जाएगा। तो ये मैंने इसको आप यहाँ पे आइस से भी डेकोरेट कर सकते हैं, अगर आइस होती है तो उसको भी क्रश करके आप उससे डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये मैंने डेकोरेट कर लिया है। उसके बाद जो हमने बना लिया है इसका जो सॉल्ट वो डालेंगे इसके अंदर, ग्लास के अंदर। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ, और उसके बाद ये देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जो जामुन बचा हुआ था मैंने उससे गार्निश यहाँ पे कर दिया है, डेकोरेट कर दिया है। और ये कितना सुंदर लग रहा है, इसका कलर भी कितना सुंदर आया है। तो ये जामुन सॉल्ट हमारा रेडी है, और हेल्दी जामुन सॉल्ट अगर अभी गर्मियों में बहुत ज़्यादा आता है तो आप भी ये जामुन का सॉल्ट बनाइए, पीए और बताइए आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको पसंद आता तो शेयर करना ना भूलें, और मिलती हूँ फिर एक नेक्स्ट रेसिपी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।